हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों ने इन वन कैनवस का रखनी है वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और साइड में जो सब्सक्राइब वाला बटन उसको दबा के बेल वाला आइकन दबा देना, जिससे अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूँ। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है कि आज आप लोग फेसबुक आप लोग सभी चलाते हो, आप लोग कुछ कुछ चीज चाहते हो कि आप लोगों को ये करना चाहिए, बट आप लोग आप कुछ पोस्ट करते हो वो पूरा वायरल हो जाता है। आप लोग वो प्राइवेट रखना चाहते हो बट आप नहीं रख पा रहे, आपका खुद का मोबाइल नंबर आप प्राइवेसी में कर नहीं पा रहे हो, और आपका फेसबुक अकाउंट जब वो आप लोग हैक होने से किसे बचा सकते हो। तो ये सब में कुछ छोटा छोटा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। हम हमारा वीडियो चालू कर रहे हैं। हेलो गाइस, कुछ कुछ अभी जो दिस टाइम में अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेरा फेसबुक प्रोफाइल पे, इसलिए मैं क्रोम ब्राउज़र से दिखाने वाला हूँ। सो प्लीज़, हम लोग हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं, उसके बाद मैं फेसबुक ओपन कर रहा हूँ। ओके, हमारा इधर नेट का थोड़ा इशू है, और मैं कुछ कुछ चीज़ में हाइड करके रखूँगा वो प्राइवेसी के लिए। सो देन मैं साइड में जो बटन है उसको दबा के मैं इधर सेटिंग में जाता हूँ। ठीक है, इधर पहले ही आ जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को पहले आपका नाम दिखाए होगा, नेम आप लोग इधर से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इधर से आपका खुद का निक नेम डाल सकते हैं, आपका फुल नेम डाल सकते हैं। ओके, इसके बाद है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको आप लोग आपका नंबर ओनली कौन देख सकते हैं, वो कर सकते हैं या फिर सब लोग देख सकते हैं। ऐसे देखिए, इधर मैं ओनली मैं देख सकती हूँ ऐसे करके रखा हो। इधर से मैं फ्रेंड भी देख सकते हैं ऐसा कर सकते हो, और फ्रेंड्स का फ्रेंड्स भी देख सकते हैं ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, सॉरी, तो का भी एक माफी चाह रहा हूँ। और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है जानने का। उसके बाद आता है ये ट्रांसलेशन फॉर पोस्ट, ये बात ये नहीं रहेगा। उसके बाद सिक्योरिटी एंड पोस्ट सिक्योरिटी, इधर आप लोग ये कर सकते हैं कि आपका कौन कौन अकाउंट में अभी जो है ये एक्टिवेट है। ठीक है, ये मेरा इस अकाउंट पे एक्टिवेट है, और ये मेरा ब्राउज़र पे एक्टिवेट है, इसलिए ये दिखा रहा है। ठीक है, इधर से आप लोग पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और आप लोग ये भी कर सकते हैं कि कौन कौन ये जो सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन कौन अकाउंट में आपका ये जो फेसबुक है वो लॉगिन करा हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ये जो है सबसे अच्छा। ठीक है, यूज टू फैक्टर ऑथराइजेशन। आप लोगों में बता दूँ कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, ठीक है, बहुत से तरीका है आपका फेसबुक अकाउंट हैक होने से। सबसे जो अच्छा तरीका है फेसबुक हैक करने का वो है फिशिंग। ठीक है, फिशिंग के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये यूट्यूब के प्राइवेसी के खिलाफ है। सो आप लोग ओके, फिशिंग क्या होता है मैं एक छोटे से टाइम में बता रहा हूँ कि फिशिंग होता है आपको कुछ आपका एक छोटा सा एक लिंक भेजा जाता है जहाँ पर आपको बोला जाता है कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा ये मिल सकता है, वो तब ओपन होता है। ओपन करने के बाद आपको बोलता है कि आपका फेसबुक अकाउंट लिंक करने का, मतलब आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन करने का होता है। ठीक है, ठीक ठाक पूरा फेसबुक के जो लॉगिन साइट है वैसा ही दिखाएगा। उसके बाद आप लोगों को उधर लॉगिन करने के बाद वो अलग से हो जाता है, और आप लोग सोचते कुछ नहीं हुआ तो क्या बैग चले जाते हैं, मगर आप लोग जो टाइप किया वो आप चले जाता है जो फिशिंग, मतलब जो आपको वो लिंक भेजा है उसके पास चले जाता है, और उसके बाद सेव हो जाता है। उसके बाद आपका जो है अकाउंट वो लॉगिन कर सकते हैं अपने मोबाइल में, उसके बाद वो सब कुछ चेंज कर आप लोग जानते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा जो उपाय है ये यूज टू फैक्टर ऑथराइजेशन, मतलब ये ऑन करने से आपका क्या होगा, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, ये ऑन करने से आप लोग ये ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद आपको क्या होगा कि आप लोग जब भी लॉगिन करेंगे दूसरा कोई मोबाइल में आप लोगों का ओटीपी चाहिएगा। ठीक है, जो आपका जो नंबर दिया हुआ है ओटीपी भेजने के लिए, उधर नंबर आएगा ओटीपी, उधर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, देने के बाद ही लॉगिन होगा, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है इधर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है, हम लोग इधर से बैक आ जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है इधर थोड़ा कुछ नहीं और एक चीज़, ठीक है, प्राइवेसी सेटिंग। ठीक है, प्राइवेसी सेटिंग ये भी थोड़ा जानने का है। इधर आप लोग बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, जैसे कि यू कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट। ठीक है, मतलब आप जो जो पोस्ट करेंगे वो लोग कौन देख सकेगा, मतलब आपने कोई फ़ोटो पोस्ट किया, कोई वीडियो पोस्ट किया, वो आपका सब पूरा दुनिया, मतलब जो जो फेसबुक यूज़ करते हैं वो लोग भी देख सकते हैं और फ्रेंड्स भी देख सकते हैं। मतलब मैंने जो किया हुआ है मेरा फ्रेंड्स ही सब देख सकेगा मेरा पोस्ट। ठीक है, उसके बाद है इधर लिमिट हु कैन सी पोस्ट। ठीक है, इधर आप लोग करके लिमिट कर सकते हैं, मतलब कौन कौन आपका पोस्ट देखेगा, मतलब कुछ गिन चुन के बंदे आप लोग इधर एंटर कर सकते हैं कोई पोस्ट। ठीक है, इंक्लूडेड पब्लिक एज एन ऑप्शन इन योर ऑडियंस सेक्शन, ये कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। उसके बाद आ जाए हु कैन सी द पीपल पेज एंड लिस्ट यू फॉलो, मतलब ये आप, ये जो है ये आप कौन कौन बंदे को जो आपका फ्रेंड्स है और कौन कौन पेज आप सेव करके रखे हो वो देख सकेगा। ये मैं ओनली मी, मतलब मैं खुद ही देख सकता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हु कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, मतलब कौन कौन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकेगा। ठीक है, ये मैंने करा हुआ है सिर्फ सभी। ठीक है, उसके बाद आ जाए हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट। ठीक है, मतलब आपका जो फ्रेंड लिस्ट है वो कौन कौन देख सके, वो मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हु कैन लुक अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस ऑन प्रीवियस, ये भी मैं सिर्फ मैं कर रखा हूँ, मतलब कौन कौन हमारा ईमेल एड्रेस चेक कर देख सकता है। हु कैन लुक अप यूजिंग द फ़ोन नंबर योर प्रोवाइड्स, ठीक है, ये एवरी वन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रोफाइल लॉकिंग ये तो आप लोगों को ज़्यादा पता ही होगा, ये करने से, ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये करने से आपका क्या है, प्रोफाइल पिक्चर कोई भी नहीं देख सका आपका फ्रेंड्स के अलावा। ठीक है, सो अभी के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, जिससे अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए मिल के आता रहो।